अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम सब मौजूद हैं आप लोगों के साथ एक मुनफरिद वीडियो में। तो भाई नेशनल स्टेडियम जाने की तैयारियां चल रही है। यहाँ पर हमारे इस्माइल भाई जो कि आपको नजर आ रहे हैं, पीछे हमारे साथ आतिफ भाई है, फिर सफदर है, फिर शान है, और फिर एक जो भाई है इनका नाम नहीं आता, क्या नाम है, जुनेद भाई है। फैसल साहब जो है वो रस्ते मरे। आप लोगों को तो ये बात पता है कि हमेशा हम कहीं भी लेट होते हैं किसी जगह जाने के लिए तो फैसल की वजह से लेट होते हैं। तो अभी भी फैसल का इंतजार हो रहा है यहाँ पर। तो बाकी के मनाजिर हम आप लोगों को बाद में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और कुछ रस्ते की भी वीडियो देंगे, कुछ स्टेडियम के अंदर आज आप लोगों को बताएंगे हम कंप्लीट कि स्टेडियम में किस तरह की सिक्योरिटी होती है, क्या क्या है वहाँ पर, किस तरीके से आप मैच देखेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ हम नेशनल स्टेडियम के अंदर। Me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there. Assalamu alaikum guys, welcome back. So hum finally yahan par pahunch chuke hain. Aadhe ghante ki drive ki hai hum logon ne, और आधे घंटे के ड्राइव में ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ा है। लेकिन एक मुश्किलात जो हमें पेश आ रही है वो है यहाँ पर बाइक पार्किंग की, क्योंकि बाइक पार्किंग हमें बिल्कुल भी यहाँ पर कहीं सिस्टम नहीं दिया गया कि यहाँ पर हम अपनी बाइकें रोक सकें। तो चलते हम स्टेडियम की तरफ, जो रास्ता इन्होंने दिया है तो वो पैदल जाने वालों के लिए दिया है, तो बाइकें रोक के अब हम पैदल स्टेडियम की तरफ गामजन है। पूरी टीम हमारी ये सिविक सेंटर की पार्किंग में हमने बाइकें लगा दी हैं। जैसा कि आप जानते हैं सिविक सेंटर को देखा है आप लोगों ने, इस्माइल भाई हमारे जो के काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं, साथ में हमारे फैसल भाई वो भी काफ़ी एक्साइटेड हैं। पीछे बाकी लोग नज़र नहीं आ रहे कि कहाँ आ रहे हैं। एक ही हमारे शान भाई आ रहे हैं, पीछे सफदर, सफदर के साथ जीशान, फिर जुनेद। तो बाकी जो हमारे दोस्त हैं वो सारे स्टेडियम मेरे ख्याल से पहुँच चुके होंगे ना। हाँ मेरे हिसाब से पहुँच चुके होंगे। 9 नंबर का गेट है हमारा, और 9 नंबर के गेट में हमारी 7-8 टिकटें हैं। एक बंदा हमारा नहीं पहुंच सका तो हम 7 बंदे यहाँ पर मौजूद हैं इस टाइम, और पैदल हम गामजन है अपने स्टेडियम की जानिब। सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पर, और सिक्योरिटी के लिहाज से यहाँ पर काफ़ी, ये आप देख रहे हैं कि पीछे हमारे रेंजर्स खड़ी हुई है, तो सिक्योरिटी यहाँ की बहुत टाइट है। और उसके हवाले से हमारे साथ यहाँ पर अभी हमारे साथ आ गए हैं फाइनली अब आतिफ भाई। हमारे आतिफ भाई, आप आज के मैच के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स, उम्मीद ये है कि मैं मैच के बारे में यही कहना चाहूँगा कि इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान अच्छी बैटिंग करे, अच्छी बॉलिंग करे, और इंशाल्लाह ये इंग्लैंड के साथ जितने भी मैच है हमारा पाकिस्तान जीते, हमारी कोशिश यही है, हमारी दुआएं भी यही हैं। और अब हम जो फैसल भाई से पूछेंगे कि हमारे फैसल भाई इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो जी फैसल भाई, अस्सलाम वालेकुम। अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे पर्सनली मैच पसंद नहीं है। 2011 में जो वर्ल्ड कप हारी थी उसके बाद मैंने मैच देखना ही छूट दिया था। भाइयों की मोहब्बत में जो जा रहा हूँ उनको बर्दाश्त करूंगा मैं 4-5 घंटे, वरना पाकिस्तान की टीम से कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है मुझे। तो भाइयों, हमारे इस्माइल भाई जो कि भैंस की तरह बिल्कुल आगे आगे चल रहे हैं, और अभी हम इन तक पहुंचते हैं। बाकी आप लोगों के साथ जो बातें होंगी वो हम स्टेडियम के अंदर करेंगे। हेलो
काफ़ी क्राउड का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर, और पैदल ही चल रहे हैं अभी तक हम। पूरी टीम ये यहाँ पर मौजूद हमारी, पैदल काफ़ी हम लोगों ने यहाँ पर पैदल सफ़र किया है और अभी भी हमको समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ जाएँ। गेट नंबर 9 जो है वो परमानेंटली बंद किया हुआ है, तो गेट नंबर 9 के जो बंद हैं वो 10 से जाएंगे। देखते हैं आगे कितना और पैदल चलना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, फाइनली हम स्टेडियम के अंदर आ चुके हैं और हमारी हालतें क्या हो गई है देखें, अंदर आते हुए क्या हालत हो गई है हमारी। और बहुत मुश्किल है, यहाँ पर क्राउड है नहीं। सीटों पे जो आप लोगों को नंबर मिल रहे हैं, कहीं पे कोई नंबर नहीं है, आपकी मर्ज़ी, आप कहीं भी बैठ सकते हो। और ये हमारे इस्माइल भाई जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। पहले तलाशी चल रही थी, अब सब सारी आवाम को यही छोड़ दिया गया भाई, बगैर किसी तलाशी के सबको छोड़ दिया गया। जब से हम कह रहे थे बाहर चीख चीख के कि भाई ये कानून है, कानून कहीं पर कोई कानून नहीं है। ये आप जो देख रहे हो, एक एक बंदे को ये लोग चेक कर रहे थे, लेकिन इतनी आवाम थी कि सबको एक साथ छोड़ दिया। 4 घंटे से इन सिक्योरिटीज ने हम लोगों को बाहर ख्वार कर दिया खड़े खड़े, और अब देखो आवाम को यूं ही छोड़ दिया गया बिल्कुल अंदर। 4 घंटे हो गए, यकीन मानो हम तलाशी दे दे के थक गए यहाँ पर, और अब ये सबको यूं ही छोड़ दिया गया यहाँ पर। ये देखो, ये बगैर तलाशी के, बगैर टिकट दिखाए हुए सब अंदर आ रहे हैं यहाँ पर। ये देखें, ये सारा सिस्टम यहाँ पर अब आउट हो गया। अभी भी हमारी टीम का वो बंदा वहाँ खड़ा हुआ है, जो हमारी बाकी 4 लड़के तो बाहर रह चुके हैं, तो उनको रास्ता दिखा रहा है कि हम यहाँ बैठे हैं। तो देखते हैं कि क्या समझ आता है अभी हमें यहाँ पर, देखते हैं। A few moments later, 2000 years later, 1 eternity later. जी तो यहाँ पर फाइनली मैच शुरू होने वाला है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ये भाई मैच शुरू हो गया, पहली बॉल हो रही है यहाँ पर, और ये पहली बॉल की और टुक करके निकाला इसको, और 1 रन मुकम्मल किया, बस 1 ही रन हुआ यहाँ पर। और देखते हैं यहाँ पर, काफी मजा आ रहा है हम लोगों को तो वैसे यहाँ पर। ये इंग्लैंड वाले ऐसे डर के चले जाएंगे इतना ग्राउंड देख के। क्या कहते हो? नहीं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है, और इन लोगों को इज्जत देनी है क्योंकि ये हमारे मेहमान है, हमारे मुल्क आए, तो हम सब पाकिस्तानियों का फर्ज बनता है कि हम इसको इज्जत दे, रिस्पेक्ट दे। शुक्रिया। और के दूसरी गेंद आए, बॉल की शानदार बॉल की, 4 रन, ये चौका लगा भाई, दूसरी बॉल पे चौका लगा, दूसरी बॉल पे छोटा लगा भाई, सीन हो गया। अंजलि क्या हो गया? सीन हो गया। ये मुबारक हो भाई, यहाँ पर LCD ऑन हो गई है, अब आपको LCD में दिखाएंगे। काफी छोटे से लग रहे कदमे बाबर आजम इनके सामने, वैसे देखा जाए तो इनके कद काफी लंबे लंबे हैं, अंग्रेज है ना भाई, काफी लंबे कद के लोग यहाँ पर मौजूद है इस टाइम, और बाबर आजम बहुत ही छोटे से कद के लिहाज से नजर आ रहे हैं, बाकी बैट्समैन तो बहुत बड़े हैं इस टाइम पे, अच्छे बैट्समैन में उसकी शुमार होती है भाई। और अल्लाह करे मैच हम वॉन करें, हम जीते मैच,
और ओवर की चौथी गेंद कराने आए और फिर टुक करके खेला इन्होंने एक रन के लिए और एक रन इन्होंने मुकम्मल किया यहाँ पर। और सिर्फ एक ओवर ही मैं दिखाऊंगा। A few moments later. और चलते हैं यहाँ पर अभी हम जरा कुछ खाने पीने। भाई कुछ बंदे रुक जाओ, सीटें यहाँ पर कब्जा हो जाती है। ₹36 का एक समोसा, ₹36 का। ये देखें व्यूवर्स, ये लोग कैसे फकीर और मस्कीनों की तरह बैठे हुए हैं यहाँ पर। और यकीन मानो ऐसे लावारिस नज़र आ रहे हैं इस टाइम, अल्लाह माफ़ करे। मकसद ये है मेरी बात बता रहे हैं कि कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ पर। अब हमारे मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ चुकी है तो उसके लिए सिस्टम बनना चाहिए, कैंटीन बनना चाहिए। देखिए बाहर कंट्रीज़ वाले भी तो मतलब क्राउड को मैनेज करते हैं, तो हमारे पाकिस्तान भी इंशाल्लाह अब नेशनल क्रिकेट आ गई है इंटरनेशनल, तो देखते हैं कि किस तरीके से मैनेज होगा। ये पता नहीं क्यों इतना खुश नजर आ रहा है, समझ से बाहर है। स्माइल भाई, स्माइल। काफ़ी क्राउड है, काफ़ी अफरा तफरी है। बहुत मज़ा आ रहा है हम लोगों को, बहुत शोर शराफा हो रहा है। और आप लोग भी इंजॉय करें टीवी पे। काफ़ी हज़ारों के तादाद में लोग आए हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा क्राउड है। हमारे साथ अहमद भाई हैं, फैसल भाई हैं, अदनान भाई हैं और एक भाई हमारा है शानी, और भी देव लड़के हैं जिसका मुझे नाम नहीं आता। लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं हम। हाँ शोर सुन रहे होंगे यार, कितना शोर हो रहा है, क्या बात है। हाँ तो कैसा फील हो रहा है भाई तुम सबको? सर में दर्द हो रहा है। क्यों? बोरिंग सी हो रही है यार। क्यों? कोई विकेट ही नहीं गिर रही, बस दो विकेटें गिरी हुई हैं। भाई आप क्या कहना चाहते हो इस मैच के बारे में? क्या पे कहना चाहते हो आप? मैं ये कहना चाहता हूँ अहमद भाई के, बस पाकिस्तान की बैटिंग लाइनिंग बहुत 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 ख़राब है, तो लिहाजा इसमें इनको काम करना चाहिए। और ये आपकी बॉलिंग जो लाइन है बहुत ख़राब होती जा रही है। बाकी ये कि थकन ज्यादा हो रही है यार, यहाँ का सिस्टम सही नहीं है, बस सिस्टम बिल्कुल भी सही नहीं है। A few moments later. जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करेगा, गैरों से शिकायत कौन करेगा। जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करेगा, गैरों से शिकायत कौन करेगा। बस बहुत मायूसी के साथ हम वापसी कर जा रहे हैं। खैर ये खेल है, होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मैच होगा उसमें देखते हैं क्या होता है, बाकी कमेंट्स हमारे अहमद भाई करेंगे। काफ़ी मज़ा आया मैच में, जीत और हार। क्रिकेट है, खेल है, इसमें जीत हार चलती रहती है। लेकिन इतने लोग, इतना स्टेडियम भरा हुआ था, तमाशाई बहुत थे, तो मेरे हिसाब से जीतना तो बनता था। हमारी पाकिस्तानी टीम काफ़ी इस टाइम कमज़ोर नज़र आई थोड़ी,
थोड़ा लेवल डाउन नजर आया थोड़ा सा, लेकिन पाकिस्तान को कुछ चेंजिंग करनी चाहिए। बिल्कुल, खुशदिल शाह कौन है ये, इसको हटा दो। खुशदिल बैट्समैन है, अच्छे बैट्समैन है, लेकिन उन्होंने आज जो हरकत करी, कैच छोड़े, मिस फील्डिंग की, तकरीबन सब उन्होंने मिस फील्ड करी। इस चीजों पे इनको काम करना चाहिए। बाकी अब आप देखो कि कितना पैदल चलते हैं हम, और पैदल चलते चलते एक तो ये बड़ा मसला है कि रोड पे गाड़ियां अलाउड हैं इस टाइम, लेकिन कोई पार्किंग वगैरह का सिस्टम नहीं दिया था। तो अब देखो कि कितना पैदल जाना पड़ रहा है हमको यहाँ से, तकरीबन हमको 20 मिनट अभी पैदल चलना पड़ेगा तकरीबन। तो पैदल चलते 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 यूं ही कोई मिल गया, सिलेक्शन टीम है, यूं ही कोई इसमें कोई मजेदारी नहीं है। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हर जुल्म मिटाने को एक मसीहा निकलता है जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। हमारी गाड़ी देख लो है भी या नहीं। ये थी भाई हमारी आज की जो पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी, तो वो हमने आप लोगों को दिखाई। और बाकी जो नेशनल स्टेडियम में आने का जो तरीकाकार था, स्पेशली आप लोगों को ये दिखाना था। और दूसरी बात ये कि हमारी पूरी टीम इस टाइम घर की तरफ गामजन है। और मिलते हैं आप लोगों के साथ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें AIF प्रोडक्शन की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।